चलो बाहर निकलो, साहब ने बुलाया। चलो चलो। हवलदार साहब, कोई खास बात? इस समय क्यों बुलाया साहब ने? कीर्तन करने के लिए। मुजरिम को अंदर क्यों बुलाते हैं? पूछताछ करने के लिए। सच उगलवाना आसान नहीं होता। मतलब क्या? आप अपने घर जाइए, रात बहुत हो गई है। मैं यही इंतजार नहीं कर सकती? फालतू में टाइम खोटी कर रही मैम साहब, हमारे साहब बहुत कड़क हैं। पूछताछ में सुबह तो हो ही जाएगी, तब तक आप यहाँ क्या करेंगे? अभी घर जाइए, सुबह आ जाना। चलो। साहब, आपको इतनी रात को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हमें आना पड़ा। इट्स ओके, मगर बात क्या है? वो इंदर लॉकअप में है। वाह, क्या किया उसने? जी, वो एक होटल के अंदर। नो प्रॉब्लम, कल सुबह कोर्ट खुलते ही उसकी जमानत हो जाएगी। बट टेल मी, हाउ इज द विक्टिम? ही इज वेरी सीरियस, कुछ कह नहीं सकते, उसकी हालत बहुत खराब है। आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो बच जाए, वरना इंदर को छुड़ाना बड़ी मुश्किल का काम होगा। बैठो बैठो इधर। तो हम बात करें इंदर? चुप नहीं रहेगा, बोल बोल बोल। हाँ बोल, किधर है माल, किधर है बोल। आप मुझे इस तरह इंट्रोगेट नहीं कर सकते। लेकिन बात तो कर सकते हैं। देखो इंदर, हम लोग पुलिस वाले, और जब तक सब कुछ ठीक तरह से चलता रहता है, हम किसी को हाथ भी नहीं लगाते। तो अब हम बात करें? आ गई अपने दोस्त से मिलके? हाँ, मिल आई। एनी प्रॉब्लम? मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। डीके को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम उसको होता है जो डीके से टकराता है। और ये बात तुमसे अच्छी तो कोई नहीं जानता, है ना मेरी धर्मपत्नी? तुमने मुझे तो मजबूर कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुमसे सौदा किया है, हारी नहीं हूं, और इंदर को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। गुड, यही बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है, अपनों का कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें शायद ये बात तो पता होगी ना कि ताज की हालत बहुत खराब है और उसकी हालत तुम्हारे अंदर निकली है। अगर ताज बच गया तो भी इंदर फंसेगा और अगर मर गया तो इंदर की खैर नहीं, हो सकता है फांसी हो जाए। मेरी प्यारी धर्मपत्नी, बुरा लग गया क्या? ये तो तुम्हें मुझसे टकराने से पहले सोच लेना चाहिए था। आई एम लाइक द रॉक ऑफ जिब्राल्टर, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। एक बात याद रखो डीके, इतना अभिमान ठीक नहीं। पानी की लहरों से टकराकर पत्थर भी टूटकर रेत में बदल जाते हैं, लेकिन उससे पहले पता नहीं कितनी हजारों लहरें टकरा टकरा कर अपना दम तोड़ देती हैं। कौन सी लहर में कितना दम है किसे पता। इतना ऊंचा मत उड़ो डीके, उतना ही ऊंचा उड़ना चाहिए कि जमीन पर वापस पहुंचा जा सके। बहुत ऊंची उड़ान के बाद नीचे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बीच में पंख टूट भी जाते हैं। डीके की उड़ान कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर इंदर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बट प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड। थैंक यू वेरी मच। एक बहुत बुरी खबर है, आज की हालत बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसे कुछ ना हो जाए। मुझे तो बस एक चिंता है कि इस दरमियान पुलिस इंस्पेक्टर इंदर से कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन न करवा ले। साइन करो इंदर। ब्रावो, ब्रावो माय वाइफ, ब्रावो। कभी देखी ऐसी पत्नी जो शादी के बाद भी अपने दोस्त की खातिर अपने पति को धमकी देती है? एक बात कहूं डीके, तुमसे ज्यादा बदतमीज, बेशर्म और घिनौना कोई नहीं है। बदतमीज, बेशर्म, घिनौना, आई नो। क्या क्या कहती हो तुम मेरी तारीफ में, पर मैं उस सबसे भी बुरा हूं और मैं ये सब साबित करके दिखाऊंगा। पता नहीं तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। जब से मुझे मिले हो मेरी जिंदगी में अमावस की तरह अंधेरा भरने पर तुले हुए हो। तुमने कुछ नहीं दिया है परेशानी के सिवाय मुझे और मेरे परिवार को। अमावस, परेशानी, ये तो मेरी मोहब्बत दिखाने का स्टाइल है। पता नहीं तुम में ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना बदतमीज होने पर मजबूर करती है। तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो मैं हूं ना तुम्हारे पास, ले लो बदला। वैसे भी तुम्हें अधिकार है, माय सो कॉल्ड हस्बैंड। लेकिन इंदर को क्यों परेशान कर रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंदर? हु इज इंदर? सान्या, डू यू नो हु इज इंदर? मैं बताता हूँ। तुमने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ तोते की जान एक राक्षस में होती है। तोते को सुई चुबाओ तो राक्षस को दर्द होती है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि एक परी की जान एक तोते में है और वो तोता इंदर है। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है ना तो तुम इंदर का पीछा छोड़ दोगे। तो ठीक है, अपनी जान इंदर में से निकाल लो। मतलब? हम लोग पति पत्नी हैं, है ना? ठीक है, हमारे बीच कागजी रिश्ता ही सही, लेकिन रिश्ता तो है ना। आई लव भारतीय सभ्यता, आदर्श भारतीय नारी, आदर्श बीवी। और तुम तो जानती हो कि आदर्श बीवी अपने हस्बैंड को कितना प्यार करती है, बल्कि पूजा करती है। और मेरी बीवी दिशा सहगल को किसी और से इतना कंसर्न वेरी बैड। तुम मुझे मेरा फर्ज सिखाओगे? खुद को देखो डीके, जानवर से भी बदतर हो तुम। और तुम ही नहीं, तुम्हारे आसपास के सभी लोग। शर्म, मान, मर्यादा ये तो छोड़ो, रत्ती भर इंसानियत भी नहीं है उनमें। You? बहुत ज्यादा बोलती हो। Who the hell do you think you are, you? छोड़ो मुझे डीके, ये अपने आप को समझती क्या है? बस सानिया, आंखें खुली और जबान बंद। तुम क्या कह रहे हो डीके? उसने मुझ पर हाथ उठाया और तुमने नहीं देखा क्या? दिशा की आंखों में वो आग। क्या मतलब? हेलो, यस इंस्पेक्टर, काम हो गया इतनी जल्दी? कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि उनके लिए लड़ने वाले लोग खामखा मारे जाते हैं। इंदर ने पेपर साइन कर दिए, बेचारे को कुछ समझ भी नहीं आया होगा। जा रही हूं। आई होप अब तक इंदर ने कोई पेपर ना साइन किए हो। नहीं अंकल, वो नहीं करेगा, मैं उसे जानता हूं। मगर आप इन पुलिस वालों को नहीं जानते। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अरे डीके साहब, मैं कह रहा हूं ना आपसे, इंदर ने वो पेपर साइन कर दिए। हाँ, आप लोग यहाँ इस वक्त मैं तुम पैकेज कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए अंकल, छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम होश में आओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप जानते हैं कि ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हमला करने के जुर्म में मैं आपको हवालात में डाल सकता हूँ। डोंट यू नो दैट? हाँ, डाल दीजिए और वहां पे जोर जबरदस्ती करके कोई सभी जुर्म कबूल करवा लीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं अनुपम? आप बात बनने से पहले ही बिगाड़ दोगे। इंस्पेक्टर ये पहले से बहुत ही परेशान है और इस परेशानी में न जाने क्या क्या बोल रहा है। गौतम, तुम इन्हें बाहर लेके जाओ, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूं। चलिए। एक मिनट रुकिए, यहां आइए, जरा यहां आइए। हम भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ये है कि हम लोग कसाई होते हैं, वर्दी वाले गुंडे, हर गलत काम के पीछे हम लोगों का सपोर्ट रहता है। एक बार जो भी हवालात के अंदर गया वो वापस नहीं आ सकता, और आ भी गया तो क्रिमिनल बनकर। तो आप ये बता दीजिए सच क्या है? अभी मैंने सुना कि आपने इंदर से कोई पेपर साइन करवाया। आपने एक बार भी इंदर से पूछा या उसके वकील से बात की या वो पेपर बताया जिसपे आपने उससे साइन करवाया? नहीं बताया आपने। और वही पेपर लेके कल आप कोर्ट के अंदर चीख चीख के कहिएगा, मिराट ये मुजरिम ने इकबाल जुर्म जो उसने अपनी मर्जी से और होशो हवास में दिया है। आपने ढेर सारी बातें की, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचने की कोशिश की कि वो कौन से पेपर थे जिस पर मैंने इंदर से साइन करवाया। मिस्टर अनुपम, आपको भी इन पेपर पे साइन करने पड़ेंगे। ये लीजिए पेपर्स। मिस्टर अनुपम, डीके साहब ने चार्जेस वापस ले लिए। इंदर इज फ्री नाउ। लेकिन मिस्टर अनुपम, अपने बेटे को जरा समझाइए। अगर वो यूं ही पीकर दंगा करता रहा तो एक दिन फिर यहां आना पड़ेगा उसे, और फिर सामने वाली पार्टी क्या चाहेगी ये मैं नहीं कह सकता। आप समझ रहे ना? मुझे इंदर से मिलना है। हाय दिशा। गौतम, मेरी तरफ से इसे थैंक्स बोल देना। थैंक्स दिशा। तुम भी गौतम। इंदर, सब ठीक है ना बेटा? अब चले, अंत भला है तो सब भला। थैंक यू वकील, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। चल इंदर, घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। मुबारक हो इंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती भी करते हैं और सजा से ही बच जाते हैं। थैंक्स नहीं कहोगे। ऐसे हैं तुम्हारे दोस्त, कम से कम किसी का दिल रखने के लिए थैंक्स तो कहना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, डीके को भी उपकार करने की बहुत पुरानी आदत है, ऐसा लोग कहते हैं। तुम ये मत समझना कि खेल खत्म हो गया। तुम्हारे और ताज के बीच में जो कुछ हुआ वो तुम्हारा अपना मामला था, हमारा हिसाब अभी बाकी है। उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, बहुत बड़ी गलती की थी। उस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी, मिलनी ही चाहिए। वैसे मौका तो बहुत अच्छा था, सबूत भी थे, और ताज तो मेरे लिए सिर्फ एक प्यादा है। एक प्यादे के बदले फांसी, सौदा तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं घायल दुश्मन पे वार कभी नहीं करता, बल्कि दुश्मन को घायल कर करके मारता। क्यों दिशा? लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे कि तुम्हें जेल से आजाद करा के सजा दूं। बहुत लंबी उम्र है मेरी और याददाश्त भी अच्छी खासी है। मैं चाहता तो तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता था। अब तुम पूछोगे कि मैंने तुम्हें आज़ाद क्यों करा दिया। भाई तुम मेरी बीवी के दोस्त जो ठहरे, वो भी इतने अच्छे दोस्त। देखो ना, इतनी रात को तुमसे मिलने वो पुलिस स्टेशन आई। मेरी बीवी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, सिर्फ इसीलिए आज तुम आज़ाद हो। तुमने मेरे लिए भी ठीक से भीख मांगी होगी दिशा, है ना? क्यों आखिर क्यों तुम भीख मांगकर हम लोगों की पीठ में छुरा भोंक रहे हो? क्यों दिशा? बहुत रात होगी दिशा, किसी और खानदान का तो पता नहीं, लेकिन सहगल खानदान की बहुएं इतनी रात को बाहर नहीं रहती, वो भी खासकर पुलिस स्टेशन में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया था।